फ्रेंड्स, हम बिहार बोर्ड का क्लास सिक्स का हिंदी का एकदम ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। आप तो ओरिजिनल पेपर हिंदी का इतना कमेंट किए कि कमेंट बॉक्स भर डाला। या आप अपने जिला का नाम जरूर बताइए, सभी जो जिला का नाम बता रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है। इसके बाद हम इंग्लिश का डालेंगे, वो भी आप जरूर देखिएगा। एक बार कमेंट में प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ट्वेल्थ तक आपको क्लास 12th तक एकदम ओरिजिनल पेपर मिलेगा, एकदम ओरिजिनल पेपर मिलते रहेगा और नोट्स टोटल चीज इसी चैनल पर मिलेगा। केवल बिहार बोर्ड के लिए ये चैनल बनाया गया। आप बिहार बोर्ड से बिहार में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, अपना जिला का नाम जरूर बताइए। तो चलिए हम आगे वीडियो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि इस वाक्य में सर्वनाम पर गोला लगाना है, सर्वनाम को चुनना है और गोला लगाना है। सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैं अवश्य देखना चाहूंगी उन खंडहरों को। तो मैं किसके लिए है? मैं अपने नाम के लिए, अपने नाम के लिए है, अपने नाम के लिए और खंडहरों के लिए उन आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हो जाएगा? मैं और एक उन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने के लिए मैं का उपयोग किए, संज्ञा आप हैं तो अपने के लिए मैं किए और खंडहरों के लिए उन का उपयोग किए। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैं एक सर्वनाम हो गया और खंडहरों संज्ञा है तो उसके लिए उन का प्रयोग किए तो ये सर्वनाम हो गया। तो ये दो को सर्वनाम हो गया, तो दोनों पर आप गोला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, देख लीजिए, ये 10 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है, दो दो मार्क्स का। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग हरिहर नाथ मंदिर जाते हैं, हरिहर नाथ मंदिर संज्ञा, उसके लिए हम लोग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, हम सब संज्ञा है, हम सब के लिए हम लोग का प्रयोग कर रहे हैं, हम नाम नहीं ले सकते, सभी बहुत सारा है तो हम लोग कह सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, यही अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। तो तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ पर यही का प्रयोग किया गया, यहाँ पे यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घ नंबर कि अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। तो हिंदी एक संज्ञा है, उसके लिए इन्हें कोई एक सामने व्यक्ति है तो उसके हिंदी सिखाई, सामने वाला व्यक्ति संज्ञा है तो इसके लिए इन्हें का प्रयोग किया, तो ये सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे गोलाब लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ढूंढे उसे मिले, जो ढूंढे उसे मिले, जो जिसे मिलेगा वो क्या है? संज्ञा है, उसके लिए उसे लग रहा है तो यहाँ पे उसे हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, यहीं पे गोला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देख लीजिए, कहा है कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाए, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाए, ये 10 मार्क्स का है, देख लीजिएगा, दो दो मार्क्स का, 5 × 10। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विद्या की रचना है? तो ये क्या है? जीवनी है। आप यहाँ पे ऑप्शन आपको कहानी है, आत्मकथा है, स्मरण है, तो ये सब गलत है, आपको क्या हो जाएगा? जीवनी हो जाएगा। ठीक, आपको जीवनी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 2 नंबर कह रहा है कि मुकनायक नामक स्थापित साप्ताहिक अखबार किसके द्वारा निकाला गया? तो किसके द्वारा निकाला गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निकाला गया था। ठीक, 3रा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दानों की खिड़की के बाहर कौन सी चिड़िया गा रही थी? तो कौन सी चिड़िया गा रही थी? तो यहाँ पे देख लीजिए, लिटेन चिड़िया गा रही थी, लिटेन चिड़िया। ठीक, अगला है बसंती हवा कविता के कवि कौन है? तो कविता का नाम क्या है? तो कवि का नाम क्या है? तो केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन आपका अंगा नंबर 5 नंबर देख लीजिए कि पतंग का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो पतंग का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे गुजरात राज्य में मनाया जाता है, गुजरात में पतंग का पर्व मनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे भी मनाया जाता है मकर संक्रांति, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मिलान करना है, यहाँ पे है आंख मारना, तो आंख मारना का क्या हो जाएगा? आंख मारना, तो आंख में आंख मारना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कठिन दंड डाह प्रतीक्षा करना, आंख में रोग होना, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है तो यही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे यही ऑप्शन, आंख मारना, आंख आना है तो आंख में रोग होना। ठीक, आंख आ जाता है तो रोग हो जाता है तो बोलता है आंख आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है दांत उखाड़ना को कठिन दंड देना। ठीक, नाक कटना प्रतिष्ठा जाना, प्रतिष्ठा किसी का चल जाता है तो कहता है कि नाक कट गया। अगला देखिए जवान देना का प्रतिज्ञा देना। ठीक, अगला है छाती जलना को डाह होना, किसी का छाती जल रहा है तो यानी कि सामने वाला व्यक्ति को देखकर वो जल रहा है। ठीक,
डाह हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सर्वनाम के भेद को सामने कोष्ठ में लिखिए। तो कोष्ठ में लिखना है, तो पहला है कौन खा रहा है, तो यहाँ पे कौन, सामने वाला व्यक्ति खा रहा है तो पूछ रहा है कि कौन खा रहा है, तो यहाँ पे कौन व्यक्ति के लिए संज्ञा के लिए कौन का प्रयोग किया, कौन कहे। ठीक, तो यहाँ पे कौन को यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगला है मैं अपने काम पर लौट आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम लिखना है तो सर्वनाम यहाँ पे मैं हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक, अगला देख लीजिए, यही मेरा घर है, यही मेरा घर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद को अपने कोष्ठ में लिखिए, सर्वनाम के भेद को लिखना है। ठीक, सर्वनाम के भेद, तो यही मेरा घर है, घर, ठीक हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यही मेरा, तो यही हो जाएगा, यही मेरा, तो यहाँ मेरा हो जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं हो जाएगा, मैं हो जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, कुछ तो किया करो, कुछ तो किया करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे कुछ हो जाएगा, कुछ किया करो तो करो हो जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 सब वाक्यों में लिखिए। पहला क्वेश्चन है सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया था, तो सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया था, क्योंकि वो सभी का काम कर देते थे, जो जो जिसको जो काम रहता था उनको कर देता था, वो कर देते थे। यहाँ पर देख लीजिए आंसर, क्योंकि सरजू भैया सभी लोगों को के बीच हंसी खुशी से रहा करते थे, लोगों के बीच रहकर खूब उसे बातें किया करते थे, और उसे हमेशा, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ थे हम, यहाँ पे हमेशा हंसी मजाक किया करते थे, यही कारण है कि सरजू भैया को जिंदा दिल कहा जाता था। ठीक, जिंदा दिल कहा जाता था, सभी का काम करते थे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवीवर रहीम के अनुसार अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपा कर रखनी चाहिए, तो यह आंसर देख लीजिए यहाँ पे, कवीवर रहीम के अनुसार मन की पीड़ा को इसलिए छिपा कर रखना चाहिए क्योंकि जब आप अपनी मन की पीड़ा किसी को बताते हैं तब वह आपका मजाक उड़ाता है, इससे आपका पीड़ा कम होने के बजाय और अधिक बढ़ जाएगा। इसका ये क्वेश्चन हम पिछले 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 क्वेश्चन में भी कराए थे, तो उसको 6th क्लास का हिंदी का जरूर जाइए देख लीजिएगा। कमेंट में प्लेलिस्ट का लिंक हम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, या चैनल में भी जाके देख सकते हैं। ठीक, आप अपना जिला का नाम जरूर कमेंट कीजिए। ठीक, तो आगे 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि शेरशाह ने जनहित के लिए कौन से कार्य किए, लिखें एवं आप अपने समाज या गांव के लिए क्या करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन आपको 100 शब्दों में देना है। ठीक, अथवा में है, या ये बनाइए। तो यहाँ क्या है, भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं होती है बताना है आपको, कौन कौन सी ऋतुएं हैं और आपको सबसे अच्छी कौन सी ऋतु लगती है उसी के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए, भारतवर्ष के भीतर मुख्यतः चार ऋतु पाया जाता है। गर्मी होता है यहाँ, सर्दी होता है, बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु। सभी को अधिकतर बसंत ऋतु अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें ना ज़्यादा ना गर्मी रहता है। ठीक, वर्षा किसी को खराब लगता है लेकिन किसान को वर्षा अच्छा लगता है, सर्दी किसी को अच्छा लगता है, किसी को गर्मी लगता है, किसी को कुछ भी लगता है, लेकिन वसंत ऋतु सभी को, अधिकतर को 80% वसंत ऋतु अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन सभी ऋतुओं में मुझे बसंत ऋतु बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बसंत ऋतु में बहुत अच्छा मौसम बना रहता है। इस ऋतु में न तो गर्मी और न ही, यहाँ पे देख लीजिए, न ही अधिक ठंड रहता है। यह ऋतु ठंड की ऋतु के पश्चात मतलब बाद, ठंड की ऋतु के बाद प्रारंभ होता है और गर्मी के ऋतु में आते ही सप्ताह समाप्त हो जाता है। इसी ऋतु में कोयल अपनी मधुर आवाज में गाती है और जिसे लोग सुनकर बहुत खुश होते हैं। इसी मौसम में आप आम का पेड़ लगते हैं। ठीक, यह मौसम मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये लिख दीजिएगा आप,
तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 10 मार्क्स मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियो देख के भाग जा रहे हैं, आपका मैच नहीं कर रहा है, कभी कभी आप देखते होंगे एक दो मात्र क्वेश्चन आपका मैच कर रहा है और सभी मैच नहीं कर रहा, किसी किसी बच्चा का पूरा पूरा मैच कर रहा है। कमेंट में आप जाकर देखिएगा, सभी बच्चा बोलता है, सभी बच्चा बहुत खुश है कि बहुत मैच कर रहा है। ठीक, आपका मैच नहीं कर रहा क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक, तो आप सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए। मैं आपको ट्वेल्थ तक आपकी तैयारी करवाऊँगा बिहार बोर्ड का। ठीक, तो बिहार बोर्ड का मैं ट्वेल्थ तक तैयारी करवाऊंगा मिशन रिजल्ट पे। ठीक, मिशन रिजल्ट पे आपका तैयारी करवाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना जिला का नाम जरूर कमेंट कीजिए और आपको क्या क्या चाहिए आप जब कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा, बहुत कमेंट, कितना को रिप्लाई करूंगा। ठीक, तो उसके लिए रिप्लाई जरूर करूंगा, एक दो दिन समय लगेगा, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले जरूर कीजिए। धन्यवाद।